दिस इज़ अखिल एंड वेलकम टू इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप फ्लिपकार्ट से कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे आप ईएमआई फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, वो भी कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब छोड़ के। जो ईएमआई फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर होता है वो कैसे एक्टिव करना है और कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों मुझे अप्रूवल मिला है, पहले मुझे 3,000 रुपये अप्रूवल मिला था, इसके कुछ दिन बाद मुझे और 9,000 रुपया अप्रूवल मिल गया था, मतलब कि टोटल मुझे 12,000 रुपये की अप्रूवल मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है कहाँ गया मोरन फ्लिपकार्ट, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएगा, आपको जाना है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद आपको फास्ट ऑप्शन दिख जाएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर। यहाँ पर से आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं, कोई भी पैसे आपको नहीं लगने वाला, आप बाद में पैसे पे करेंगे तो चलेगा। ओके, तो व्यू समरी में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको, आप जब पहली बार ओपन करेंगे यहाँ पर व्यू समरी नहीं आएगा, यहाँ पर अप्लाई फॉर पे लेटर बोल के एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने अप्लाई कर लिया, मुझे अप्रूवल मिल गया, मैं वो स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पहले मैं समरी दिखा देता हूँ, व्यू समरी पे क्लिक करना है। तो मैं पहले आपको समरी दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे अभी 12,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट दिया गया है। ओके, मतलब कि मैं 12,000 रुपये की यहाँ पर से यूज़ कर सकता हूँ, मैं ख़रीदारी कर सकता हूँ। ओके, और व्यू यूजेस में क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ कौन सी चीज़ मैं परचेस किया हूँ कितने रुपये के। तो मैं अभी तक कोई चीज़ परचेस नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर नो परचेस दिखा रहा है। तो चलिए बैक चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं लाइव प्रूफ दिखा दिया कि 12,000 रुपये मुझे क्रेडिट लिमिट मिल गया है। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर पे लेटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड में जब भी आप क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना है। ओके, पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस आएगा, पैन डिटेल्स, अदर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पैन डिटेल्स डाल देना है, इसके बाद एक्टिव नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपका पैन नंबर ले लेगा, आपका आधार नंबर देना है। यहाँ पर आधार नंबर देने के बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर देने के बाद आपके सामने रिव्यू सबमिट बोल के एक ऑप्शन आएगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है। ओके, जब भी ओटीपी आएगा यहाँ पर आप ओटीपी डाल देना, ओटीपी डाल देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जब भी आप क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं ऐसे एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पैन नंबर, आधार नंबर, रिव्यू सबमिट, ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एड्रेस सबमिट, एग्री एंड सबमिट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको आपका UPI ID डालना है। ओके, अगर आप UPI ID नहीं डालना चाहते, अगर आप बैंक अकाउंट डालना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। तो जैसे आप UPI ID डाल देंगे, कुछ देर आपके एलिजिबिलिटी चेकिंग किया जाएगा, 60 सेकेंड के अंदर अंदर आपको ये अप्रूव कर दिया जाएगा। तो मुझे 60 सेकेंड लगा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 सेकेंड्स के ऊपर नहीं लगते हैं। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आप देख सकते हैं मुझे, आप देख सकते हैं मेरा नाम आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अखिल, मुझे 3,000 रुपये पहले क्रेडिट लिमिट दिया गया था। ओके, इसके बाद मैंने तो दिखा दिया 3,000 रुपये क्रेडिट लिमिट दिया गया था। मैं कुछ दिन, दो तीन दिन पहले ये किया था, दो तीन दिन बाद जब मैं ओपन किया तब आप देख सकते हैं मुझे मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई है। तो आपको भी बढ़ा दी जाएगी। ओके, 3,000 रुपये से बढ़ा के मेरा क्रेडिट लिमिट 12,000 रुपये कर दी गई थी। ओके, तो ऐसे करके आप
फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप इमरजेंसी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे खरीद सकते हैं। आपको आप बाद में मंथली जैसे ईएमआई पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट करके आप यहाँ पर से कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो जब भी लेके आऊँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए चलते हैं, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।